ओके सो फाइनली वी आर बैक। सो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और रिव्यू करेंगे एक पाकिस्तानी आइकॉनिक लेजेंडरी ड्रामा सीरीज का, जिसका नाम है संगे माह। जी हाँ, जिसका फाइनल एपिसोड भी प्रीमियर हो चुका है। उसका फाइनल एपिसोड इस रिसेंट संडे को हमें देखने को मिला था, जिसमें आपको आतिफ असलम मेन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। इस ड्रामा सीरीज में, पूरी ड्रामा सीरीज में आपको आतिफ असलम मेन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस ड्रामा सीरीज को देखना शुरू किया था एपिसोड 1 से ही, क्योंकि ये आतिफ असलम की डेब्यू ड्रामा सीरीज थी, यानी कोई पहली ड्रामा सीरीज थी जिसमें वो अपना एक डेब्यू रोल प्ले करने जा रहे थे। वो एपिसोड 1 से ही व्यूवर्स ने इसको बहुत, इस ड्रामा सीरीज को बहुत प्यार दिया, और इसी के बायस ये ड्रामा सीरीज बहुत हिट और पॉपुलर भी साबित हुई। इसकी रेटिंग्स भी अच्छी खासी तगड़ी रेटिंग है गूगल पे, तो वहां से भी आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलर बेस्ट ड्रामा सीरीज साबित हुई है। और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। इसकी स्टोरी में एक हमारे माशरे का एक बहुत मेजर इशू को रेज किया गया था, जिसका नाम है गर्क। जी हाँ, लड़कियों पे किया जाने वाला गर्क एक बहुत मेजर इशू जो कि रेज किया गया था इस ड्रामा सीरीज में। और ड्रामा सीरीज की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। इसकी कास्ट में आपको देखने को मिलते थे नुमान इजाज, साथ साथ नुमान इजाज के बेटे और साथ साथ आतिफ असलम और बहुत से लेजेंडरी एक्टर्स भी आपको इस ड्रामा सीरीज में देखने को मिलते हैं। यानी इसकी कास्ट भी बहुत आइकॉनिक लेजेंडरी थी, जिससे आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि कितनी पॉपुलर यह ड्रामा सीरीज साबित होगी। तो वो साबित भी हुई, और ये ऐसी ड्रामा सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे इजीली प्रीमियर हो सकती है, और ऐसी ड्रामा सीरीज प्रीमियम होनी चाहिए, यानी इसको खरीद के इसके लिए सब्सक्रिप्शन देनी पड़े और हम सब्सक्रिप्शन दे के इस ड्रामा सीरीज को देखें। ऐसा ये कंटेंट था और बहुत मज़ा आया। मैं यही कहूँगा कि अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 5 out of 5 स्टार्स रेट करूँगा, और मेरी तरफ से ये बेस्ट ड्रामा सीरीज थी। अगर अभी तक आपने ये ड्रामा सीरीज को नहीं देखा और अगर आपने इस ड्रामा सीरीज को मिस कर दिया है, तो आप अभी जाएँ इस ड्रामा सीरीज को देखें, और एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड जो उसका लास्ट एपिसोड है अभी जाकर इस ड्रामा सीरीज को देखें। श्योरली आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। और जो आतिफ असलम की जो एक डेब्यू ड्रामा सीरीज थी, वो उनके सॉन्ग्स की तरह वो भी हिट साबित हुई है, और उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और जो संगे माँ की एंडिंग थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शायद अभी इसकी कंफर्मेशन का नहीं पता, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, शायद हमें प्रोबेबली इसका सीजन 2 भी देखने को मिल जाए, मगर अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। शायद हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि एंडिंग इसकी कुछ इस तरह से हुई है कि हमें इसका सीजन 2 शायद प्रोबेबली इन फ्यूचर देखने को मिल जाए। मगर जो आतिफ असलम की एक डेब्यू ड्रामा सीरीज थी, वो बहुत हिट और पॉपुलर साबित हुई है, और अब इन फ्यूचर आतिफ असलम और प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और हमें और ड्रामा सीरीज में भी देखने को मिलेंगे और फिल्म्स में देखने को मिलेंगे। सो ये था एक आइकॉनिक और लेजेंडरी पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज संगे माह का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसे ही रिव्यूज जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ अ राइट प्लेस, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।